17 काम है ईओ साहब, 17 काम में आपका 10 काम अभी चालू नहीं हुआ, ऐसे ठेका क्यों आवंटित किया? फिर आओ कार्यालय को। पांच काम चालू नहीं चालू हुआ है, 10 काम आपका आज हर काम के पास जाएंगे। तुम कह दोगे तो चलेगा नहीं है सब, काम पूर्ण भी हो गए हैं, कुछ काम कारण आज इतना पैसा सरकार का आ रहा है, कोई एक विकास काम दिख रहा है शहर में? काम तो बेटे हो रहे हैं लेकिन जो भी ये हो रहा है काम वो हो रहा है, दो ईंट मारो तो खत्म, ये है आपका काम? इसको नहीं लगवाएंगे, इसका नहीं, आपका हर काम। सड़क कैसे उखड़ गई? चुप, गलती आप लोगों की है। अभी वित्तीय अनियमितताओं में जाओगे, इन सबको सैंपल ले लो, दो सीज करो, दो ईंट रख लो। एक्शन सर प्लीज कम हियर, दो ईंट फिर से लाओ, अभी का मजदूर जी आ जाओ। आप है ये कहाँ से खरीदा? अच्छा आ गया इधर आ, क्या नाम है? कहाँ से खरीदा? बुलंदशहर में कहाँ से? ये भी वही फैक्ट्री है जो अभी वाली थी? हाँ? ये सारी टायर्स जो है सब एक ही फैक्ट्री से है। ये फैक्ट्री तत्काल प्रभाव से बंद, और इससे पालिका एक टाइल नहीं खरीदेगी। लिखिए एक्शन सर कहाँ है? देखिए इसी काम का सैंपलिंग के लिए ले लीजिए, देखो ऊपर आपके हस्ताक्षर है मैडम। सभासद इनसे कोई मतलब नहीं होता है, चेयरमैन ईओ सर्वे सर्वा जिम्मेदार होता है पालिका के हर एक एक पाई पाई का। तो क्या किया आखिर? कुछ नहीं किया उन्होंने, उसके बावजूद भी आज भी देखिए यहाँ के लोग सामान्य लोग जिनके लिए ये बन रही है। नहीं वो तो है, एडीएम साहब ने तो कल आदेश तत्काल प्रभाव से करे, उसके बावजूद एस्टिमेट में नया ईंट का चिट्ठी लिखा है और मौके पर मिला पुराना डिसमेंटल। क्यों जी साहब ये क्या हो रहा है? एस्टिमेट में क्या है? तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या हो? जेई किस लिए हो? बुरे गलत काम ठेकेदारों को संरक्षण देने को हो? मैडम तो मैडम कारनामा देखिए, एस्टिमेट में लिखा है कि नए ईंट की गिट्टियां बिछेगी, और ये नया ईंट है क्या? थोड़ा भाई साहब मैडम को, ये नया ईंट है क्या? क्या है तो ये वित्तीय निमित्ता क्यों करवा रही है? क्या एक्शन लेंगी आप बताइए मुझे। FIR होनी चाहिए आज मैडम, आज FIR होनी चाहिए, नहीं तो आप लोगों के खिलाफ आज होगी FIR। ताली, कल को पिघल जाएगा पूरा, एक तो बारिश नहीं झेल पाएगी। कितना बोले कितना सर फोड़े तुम्हारे साथ बेटा, चलो आप क्या करते? तनिक तो भी मॉरलिटी रखो, नैतिकता तो मर चुकी है तुम्हारे में। बताओ सबको पहले कहाँ बुलाओ, उखाड़ा शुरू करो पीछे कहाँ से बुलाओ सब। और अच्छा वाला बालू, मोटा बालू लाओ जी जी, और ये ईट सब वापस जी जी, और ये दो सैंपलिंग के लिए ईट रख लीजिएगा, और अपना नया ईट लाके तब काम चालू कर। और ये विद इन 2 डेज यहाँ पर काम चालू होना है। अभी चालू हो रहा है, तुम इससे काम में रोड़ा अटकाओगे। अभी अभी चालू हो रहा है, 2 दिन ब्लैक लिस्ट हो जाओगे मैम। अभी बिल्कुल।